हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 7 अक्टूबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। तो कल के न्यूज़पेपर में अनिल ने कमेंट किया था कि उन्हें पेंडोरा पेपर्स और विसल ब्लोअर नहीं समझ आ रहा कि पेंडोरा पेपर्स क्या चीज़ है और विसल ब्लोअर क्या चीज़ है। तो अगर आप डेली का इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करते हो तो एक दिन पूरा पेंडोरा पेपर्स का मोडस ऑपरेंडी आया था, तो उस दिन मैंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन अगर आपने वो न्यूज़पेपर मिस कर दिया तो ऑफकोर्स आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि पेंडोरा पेपर्स क्या हैं। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ पेंडोरा पेपर्स क्या हैं। तो एक्चुअली 12 मिलियन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीक हो गए हैं, जिसके द्वारा ये पता चला है जो वेल्दी और एलीट लोग हैं वो कैसे अपना पैसा ऑफशोर एसेट्स और ट्रस्ट के एक मेज के थ्रू पार्क करते हैं ताकि वो टैक्स अवॉइड कर सकें, टैक्स एवेड कर सकें। और कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि इन ऑफशोर ट्रस्ट से जो भी पैसा वो रख रहे हैं वो कैसे उसको मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू उस ऑफशोर ट्रस्ट तक ले जा रहे हैं। तो इसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं, क्योंकि हम आप जैसे लोग जो टैक्स भरते हैं, टाइमली टैक्स भरते हैं, फिर उनके अंदर एक वो डीमोरलाइज हो जाते हैं कि हम तो टैक्स दे रहे हैं लेकिन ये लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। और दूसरी इससे ये भी प्रॉब्लम आती है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिल पाएगा। अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिल पाएगा तो जो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है वो नहीं कर पाएगी। अब ये कौन कर रहा है इन्वेस्टिगेशन लीड? ये जो पेपर लीक हुए हैं तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जो कर रहा है वो है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पेंडोरा पेपर्स क्या है। अब दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि विसल ब्लोअर क्या होता है। तो विसल ब्लोअर कोई भी हो सकता है जो कि किसी फ्रॉड के बारे में बताता है, कि कहीं भी फ्रॉड हो सकता है, किसी कंपनी में हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी फेसबुक की जो एम्प्लॉय हैं वो बता रही हैं कि फेसबुक को कैसे पता था कि इंस्टाग्राम की वजह से बॉडीली इश्यूज होते हैं, फेसबुक कैसे जो हेट कंटेंट है उसके अगेंस्ट कुछ नहीं करता है। तो फेसबुक कर सकता है पर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो पोजीशन पर्सन बैठा उसके पास ऐसे कुछ टूल्स हैं जिसकी वजह से वो उस रॉन्ग डूइंग को ठीक कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं कर रहा है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको विसल ब्लोअर बोलते हैं। इंडिया में भी विसल ब्लोअर का एक्ट, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो आपने इस विसल ब्लोअर एक्ट को भी पढ़ा होगा, वहाँ पे विसल ब्लोइंग मेंशन है लक्ष्मीकांत में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा विसल ब्लोअर क्या होता है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में कोई इनसाइडर ट्रेडिंग होती है और उस कंपनी का एम्प्लॉय ये बताता है कि इस कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग चल रही है, तो ये भी एक विसल ब्लोइंग के एक्ट में ही आता है। अब हम आज का न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है वॉयलेंस डेथ्स इन लखीमपुर खेरी, सीजीआई लेड बेंच स्टेप्स इन। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है जो भी लखीमपुर खेरी में वॉयलेंस हुआ है। अब ये मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं। सेकंड हम चलते हैं यहाँ पर जो मलेरिया के लिए, अब मलेरिया वैक्सीन जो है उसका नाम दिया गया तो हम देख लेते हैं। तो RTSS द फर्स्ट एवर वैक्सीन टू प्रिवेंट मलेरिया, तो मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए यही एक वैक्सीन है जो कि 2019 में इंडक्ट कर दी गई थी। 30 साल लगे इस वैक्सीन को बनने में, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस अगर देखो तो सीवियर केसेस में सिर्फ 30% है। तो इसकी इफेक्टिवनेस इतनी कम है लेकिन उसके बाद भी ये बच्चों को दी जा रही है क्योंकि और कोई दूसरी वैक्सीन है ही नहीं। तो सीवियर केसेस अकाउंट फॉर अप टू हाफ ऑफ मलेरिया डेथ्स और सीवियर केसेस में इसकी एफिशिएंसी सिर्फ 30% है। तो RTSS जो वैक्सीन है ये इसको मॉस्क्यूरिक्स के नाम से भी जाना जाता है और इसे डेवलप किया है ब्रिटिश ड्रग मेकर ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन। तो ब्रिटिश ड्रग मेकर के द्वारा बनाई गई है, मॉस्क्यूरिक्स नाम से भी जाना जाता है। लगभग 800,000 बच्चों को दी जा चुकी, घाना, केन्या, मलावी जैसे कंट्रीज में। अब यहाँ पर पी फेल्सी पैरम की बात की गई। तो पी फेल्सी पैरम क्या है? तो ये बहुत ही कॉमन स्पीशीज़ है फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो की, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो की ये मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ है पी फेल्सीफेरम, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। और 99% जो भी केसेस मलेरिया के अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में, जो भी 50% केसेस हैं मलेरिया के, वो इसी स्पीशीज़ की वजह से होता है। तो ये आपको समझ आ गया हो क्या वैक्सीन का नाम है, किसने बनाई है और स्पीशीज़ बहुत कौन सी ज़्यादा कॉमन है जिसकी वजह से मलेरिया हो रहा है। इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, हम नहीं डिस्कस करेंगे। वो मलेरिया वैक्सीन की आ गई है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसे डिस्कस करने में। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सॉरी हाई कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर एक इंसान है 2008 मुंबई ब्लास्ट केस में उसे रखा गया था, उसे इनकार्सरेट किया गया था, ठीक है। उसके बाद लगभग 12 साल हो चुके हैं 2008 के बाद, लेकिन अभी तक वो अंडर ट्रायल में ही है, उसका ट्रायल ही नहीं शुरू हो पा रहा है। तो ग्रांटिंग बेल टू एन अक्यूज हु हैज स्पेंट मोर देन 12 इयर्स एज एन अंडर ट्रायल इन द 2008 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट केस। अब ये एक इंसान जिसने अपनी 12 साल जिंदगी के जेल में निकाल दिया और उसका अभी तक ट्रायल तक नहीं शुरू हुआ, तो भले ही उसके अगेंस्ट कितने भी बड़े चार्जेस हों, ऐसे चार्जेस हों जिसकी जो सेंटेंस है वो डेथ सेंटेंस तक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि हम इसे बेल दे रहे हैं। तो कोर्ट ऑल्सो सेड दैट द इनकार्सरेशन ऑफ मोर देन 12 ईयर्स वुड सर्टेनली क्वालिफाई एज अ लॉन्ग इनफ पीरियड। मतलब 12 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है, इतने में भी आप ट्रायल नहीं कर पाए। तो फॉर द सिस्टम टू एक्नॉलेज दैट द अपीलेंट्स राइट टू स्पीडी ट्रायल कंटिन्यूज टू बी डिफीटेड। तो जो इंसान का राइट है राइट टू स्पीडी ट्रायल वो कैसे डिफीट हुआ है, तो भले ही उसके अगेंस्ट कितने भी सीरियस चार्जेस हों,
हुआ, यहाँ पर उसे बेल दी जा रही है। तो इंस्टेड वी मस्ट प्ले डॉक्टर इन सेव सच राइट्स फ्रॉम डिमाइस बिफोर दे आर एक्सटिंग्यूश्ड। तो ऐसे राइट्स को बचाने के लिए कोर्ट बोल रही है कि उसका राइट है कि वैसे राइट्स को बचाए। तो इफ इक्विटी कॉल्स अपॉन अफेक्टेड पर्सन टू बी विजिलेंट, अगर अफेक्टेड पर्सन विजिलेंट है अपने राइट्स को लेकर, तो यहाँ पर कोर्ट को भी विजिलेंट होना चाहिए कि उनके राइट्स को यहाँ पर कोर्ट प्रोटेक्ट करे। आगे चलते हैं, यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब कल मैंने आपको बताया था एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अगर यहाँ पर स्टेट को रिजर्वेशन देना है प्रमोशन में एससी एसटी को, तो स्टेट के पास डेटा होना चाहिए, एडिक्वेट डेटा होना चाहिए कि इनका रिप्रेजेंटेशन कम है, इसीलिए हम यहाँ पर इनको प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे हैं। और उसके बाद भी अगर स्टेट रिजर्वेशन दे रही है, तो वो रिजर्वेशन 50% सीलिंग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इनडेफिनेटली नहीं होना चाहिए। तो ये बात कल सेंटर को बोली गई थी। तो सेंटर अब डेटा लेकर आया कि देखो हमारे पास डेटा है और एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो अ डे आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट date for data to show inadequate representation of SCs and STs in public employment to justify providing reservation in promotions to them, जस्टिस एल नागेश्वर राव दैट अकॉर्डिंग टू द डेटा द टोटल नंबर इन ग्रुप, अब यहाँ पर सेंटर ने डेटा दिखाया जो टोटल नंबर है ग्रुप ए बी सी कैटेगरीज में 19 मिनिस्ट्रीज में, तो एस सीज में सिर्फ 15.34% है और एस टीज में सिर्फ 6.18% है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि लोअर रिप्रेजेंटेशन है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टेट जो है वो प्रमोशन में यहाँ पर रिजर्वेशन दे रहा है। अब यहाँ पर यह भी बोला गया है कोर्ट को कि कोर्ट बिना किसी ज़रूरत के इंटरफेयर ना करे, तो द कोर्ट शुड इंटरफेयर ओनली यहाँ पर अगर उसको आर्बिट्रेरीनेस दिख रही है। अगर आर्बिट्रेरीनेस नहीं दिख रही तो यहाँ पर कोर्ट के इंटरफेयरेंस का कोई मतलब नहीं है। अब कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला आपने हमें ये डेटा दिखाया कि ग्रुप ए में रिप्रेजेंटेशन कम है, तो अब ग्रुप बी और सी में क्यों दे रहा हो रिजर्वेशन, तो जिसमें कम है उसमें दो ना। तो द कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट द डेटा प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट शोड दैट द रिप्रेजेंटेशन इन ग्रुप ए इज लो, इट सेड दैट इट इज एज इफ द गवर्नमेंट इज इंश्योरिंग एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन बाई एडजस्टिंग इन ग्रुप बी एंड सी विच इज नॉट फेयर। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ग्रुप ए में अगर रिप्रेजेंटेशन कम है, तो अब ग्रुप ए में वो दो ना रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ना कि ग्रुप बी और सी में। तो हम आगे चलते हैं, यहाँ पर ये पेंडोरा पेपर्स के बारे में पूरा पेज है कि किन किन का नाम आया। तो मनोज प्रसाद ओन्स टू ऑफशोर कंपनीज, इसके अलावा सन ऑफ फॉर्मर बेंगलुरु पुलिस चीफ ओपन फॉर्म इन सेचल्स, तो ये सब चल रहा है इनका, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम यहाँ पर आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ये मेन आर्टिकल डिस्कस करेंगे द पॉलिटिक्स ऑफ इनजस्टिस, क्योंकि ये हमारे एग्जाम पर्पज से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लखीमपुर खेरी में वॉयलेंस डेमोग्राफिक्स क्या है लखीमपुर के, ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये आर्टिकल हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्शन। अब सुप्रीम कोर्ट ने फार्मर्स को ये बोला था कि अगर मैटर सबजुडिस है कोर्ट में, तो आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, जो लोगों का राइट है कि वो रोड्स को यूज़ करें वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने प्रोटेस्ट की वजह से सब कुछ ब्लॉक कर रखा है। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बोला ये बहुत अगेंस्ट है, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों, व्हेन द सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस द कंटिन्यूइंग फार्मर प्रोटेस्ट, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया था जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं अगेंस्ट द सेंटर्स फार्म लॉज ऑन ग्राउंड, कि मैटर जब सबजुडिस है कोर्ट में, When it asks if the right to protest is an absolute right, और यहाँ पर फार्मर से ये पूछा गया क्या right to protest एक absolute right है, तो यहाँ पर जो right to protest वो absolute right नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो right to protest है वो constitution में enshrined है। It is true that the right to protest was not a separate right in the Indian constitution, लेकिन ये बहुत सारे articles में implicit दिखता है, जैसे कि article 19(1) clause है जिसमें ये बोला जाता है freedom of speech and expression, तो यहाँ पर भी right to protest जो है implicit है। दूसरा article 19(1) clause भी, the right to assemble peacefully, और तीसरा आर्टिकल 21 जिसमें ये बोला गया राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो सिंस द कोर्ट्स आर्ग्यूमेंट कांट बी दैट वंस अ डिस्प्यूट एंटर इट्स डोमेन, तो ये जो कोर्ट का आर्ग्यूमेंट है कि एक बार कोर्ट में कोई मैटर आ गया है तो यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो ये कोई ठीक बात नहीं है। बाई दैट लॉजिक द पब्लिक स्फीयर विल फॉल साइलेंट एंड लाइफलेस, द राइट टू प्रोटेस्ट इज नॉट जस्ट नेसेसरी इन एंड ऑफ इटसेल्फ, इट इज ऑल्सो इनएलियनेबल फ्रॉम द आर्टिकुलेशन। ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो ट्रू दैट ऑल राइट्स आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, तो सारे राइट्स जो हैं वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अंडर ही होते हैं, बट फॉर द एपेक्स कोर्ट टू डिसाइड इफ द राइट टू प्रोटेस्ट इज एब्सोल्यूट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फार्मर्स प्रोटेस्ट। अब यहाँ पर फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात की जा रही है। अब सबसे पहले ऑथर ने यह बोला है जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कैसे ये जो इनका प्रोटेस्ट है उसको डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश करी है, फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे जजमेंट दे, तो यहाँ पर फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट का राइट है वो तो बहुत छीना जा रहा है। तो कमिंग इन द इमीडिएट आफ्टरमैथ ऑफ द इंसिडेंट इन लखीमपुरी खेरी वॉयलेंस में भी अभी किसी मिनिस्टर के कॉन्वॉय ने मो डाउन कर दिया और लगभग 4 फार्मर्स की डेथ हो गई, तो फॉर इट सीम्स नॉट जस्ट टू पास टू लाइटली ओवर आर्टिकल्स 19 एंड 21। तो यहाँ पर आर्टिकल 19 और 21 में कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लिसिट है कि राइट टू प्रोटेस्ट है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि कोई मैटर का सब जुडिस है तो वहां पर फार्मर्स का प्रोटेस्ट का राइट नहीं है।
इन रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी, तो एक केस यहाँ पर ऑथर ने कोर्ट किया है, 2012 का केस है, जिसमें कोर्ट ने ये बात खुद बोली थी कि लोगों के पास राइट है कि अपनी वॉइस वो उठाएं अगेंस्ट द डिसीजंस एंड एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट और इवन टू एक्सप्रेस द रीसेंटमेंट ओवर द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर लोगों के पास पूरा राइट है कि गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन से अगर वो नाखुश हैं तो वो यहाँ पर अपनी आवाज़ उठाएं, प्रोटेस्ट करें, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट को लोगों के इस राइट को रिस्पेक्ट करना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए कि लोग अपने इस राइट को एक्सरसाइज करें। इन अ मैटर ऑफ द फार्मर्स एजुटेशन द कोर्ट हैज स्टेप्ड इन बिफोर इन जनवरी, तो कोर्ट ने जनवरी में स्टेप इन किया था, फिर फार्मर्स लॉस पे स्टे लगा दिया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट भी करती लेकिन उसके बाद भी उस रिपोर्ट पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो इट कांट बी द कोर्ट्स आर्ग्यूमेंट कैन इट दैट प्लेंटिफ्स एंड डिफेंडेंट्स इन कोर्ट रूम्स अक्रॉस द कंट्री शुड गिव अप देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू स्पीक आउट। तो आप एक तरीके से क्या कह रहे हो, आप एक तरीके से ये कह रहे हो कि जो लोगों का राइट है स्पीक आउट करने का वो बंद कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं होता है, लोगों को और इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने राइट को एक्सरसाइज करें। अब यहाँ पर ISIS खुरासान ने फिर से अटैक कर दिया है, तो काबुल में एक बार फिर से उन्होंने अटैक कर दिया, एक मॉस्क में अटैक कर दिया है। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला अगर ISIS खुरासान ऐसी अटैक्स करता रहा तो तालिबान को लेजिटिमेसी मिलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो फॉर नाउ दो ISIS खुरासान अटैक्स वाइल चैलेंजिंग द तालिबान, क्योंकि तालिबान को चैलेंज कर रहे हैं और ऑल्सो इम्पॉर्टिंग इट टू द लेजिटिमेसी ऑफ द पार्टी इन पावर, तो यहाँ पर वो बेसिकली तालिबान को लेजिटिमाइज करने की कोशिश करें कि ये तालिबान है, ये पावर लेकर बैठा है, अब हम इनके अगेंस्ट वॉर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लेजिटिमाइजेशन मिलना तालिबान के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि US भी अब तालिबान के साथ मिलकर जब ISIS खुरासान ने एयरपोर्ट पर अटैक किया था तो US ने भी ये बोला था कि हम तालिबान के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि ISIS खुरासान को कैसे वीड आउट कर सके। तो यहाँ पर लेजिटिमाइजेशन मिलना बहुत आसान होगा तालिबान को अगर ISIS खुरासान ऐसे ही अटैक्स करता रहा। तो इट मे इवन हेल्प द तालिबान रिलाई इंटरनेशनल सपोर्ट इंक्लूडिंग फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड हेस्टन द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर द न्यू रिजीम इन काबुल। तो ये आसान हो सकता है, इसलिए ISIS खुरासान को इतने अटैक्स नहीं करने चाहिए। अब रोबोकॉप क्या है, तो ये शुरू किया गया है सिंगापुर में, तो सिंगापुर में बेसिकली ये रोबोकॉप मतलब रोबोट्स की फॉर्म में कॉप्स हैं। Singapore has initiated a pilot program in which robots on wheels, each outfitted with 7 cameras and microphones animated by advanced software, are patrolling residential areas. तो basically किसी को सज़ा नहीं देंगे, बस ये लोगों को discipline में रखेंगे, तो ये हमेशा लोगों के आसपास रहेंगे, तो लोगों के दिमाग में एक उनको हमेशा रहेगा कि पुलिसमैन है आसपास जो उनको देख रहा है, जिसके कारण वो अपने actions को बहुत discipline रखेंगे। अभी कितना सही है कितना गलत है तो उस पर एक अलग डिबेट है। तो Singapore has initiated a pilot program in which robots on wheels, each outfitted with 7 cameras and microphones animated by advanced software, are patrolling residential areas and shopping complexes. द जेवियर रोबोकॉप्स ब्लास्ट वार्निंग्स एट डेनिजंस इंगेजिंग इन सोशली अनडिजायरेबल बिहेवियर। तो कोई भी इंसान अगर सोशली अनडिजायरेबल बिहेवियर करेगा तो ये उसको वार्निंग देंगे, मतलब अरेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ वार्निंग देते रहेंगे, क्योंकि अरेस्ट कर भी नहीं सकते। द लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड एक्ट्स दैट कैन लीड टू टंग लैशिंग फ्रॉम एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग, अगर कोई पब्लिक में स्मोक करेगा तो ये वार्निंग इशू कर देंगे, कोई COVID-19 नॉर्म्स को फ्लाउट कर रहा होगा तो ये उसको वार्निंग इशू कर देंगे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं कि डिसिप्लिन रहेंगे लोग, लेकिन इससे फिर सर्वेलांस भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, एक इंसान के ऊपर लगातार सर्वेलांस बना रहेगा। फिर अब हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जीस चाइना एंड थर्ड रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसमें यह बताया गया कि डेन जियोपिंग ने कौन सा रिवॉल्यूशन किया था जिसको सेकंड रिवॉल्यूशन बोलते हैं, उसके बाद अब जो जी जिनपिंग करना चाह रहे हैं वो है थर्ड रिवॉल्यूशन। तो ओवर 4 decades अगो डेन जियोपिंग ऑर्डर्ड द ओपन डोर पॉलिसी टू रिबूट चाइनाज इकॉनमी। तो यहाँ पर जो डेन जियोपिंग की पॉलिसी थी वो ये थी कि कुछ लोगों को पहले अमीर बन जाने देते हैं, जैसे कि सम पीपल गेट रिच फर्स्ट। तो यहाँ पर ये जो चाइना की मार्क्सिस्ट अप्रोच थी, कम्युनिस्ट पार्टी के ये लोग मार्क्सिस्ट अप्रोच से थोड़ा दूर चले गए, क्योंकि अगर कुछ लोगों के पहले अमीर बन जाने देंगे तो जो क्लास इनइक्वालिटी आ जाएगी, जैसा कि मार्क्सिज्म ये कहता है कि क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, तो वो क्लासलेस सोसाइटी नहीं रहेगी बल्कि क्लास इनइक्वालिटी होगी। लेकिन अब जो जी जिनपिंग है वो वापस से इस मार्क्सिस्ट अप्रोच की तरफ जाना चाहते हैं, और ये जो वाइडनिंग इनइक्वालिटी जो क्रिएट हो गई उसे कैसे बंद किया जा सके। तो बाई द टाइम जी टुक ओवर इन 2013 चाइना हैड बिकम अ लैंड ऑफ बिलियनेयर्स। तो डेन जियोपिंग की जो पॉलिसी थी कि कुछ लोगों को पहले अमीर बन जाने देते हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चाइना एंटर हुआ, और अब चाइना जो है वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है, लैंड ऑफ बिलियनेयर्स बन चुका है। अब यहाँ पर जी जिनपिंग की पॉलिसी कैसे चेंज हुई हम वो देखते हैं। अब सेकंड रिवॉल्यूशन की वजह से कुछ इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए, जैसे कि रिच पुअर डिवाइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्लासलेस सोसाइटी का जो गोल था वो अंडरमाइन हो गया। अब जी जिनपिंग की जो पॉलिसी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जी जिनपिंग ने अपनी पॉलिसी को रियलाइज करने के लिए सबसे पहले इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ये बोल दिया कि अब ये प्रेसिडेंट लाइफ टाइम तक रहने वाले हैं, कि जब तक ये जिंदा रहेंगे पावर में रहेंगे। जी एम्स टू सक्सीड वेयर माओ एंड अदर कम्युनिस्ट लीडर्स हैव नॉट एंड मेक द मिडिल किंगडम द एवर लास्टिंग कैपिटल ऑफ कम्युनिज्म। द सोवियत यूनियन फ्रॉम विच कम्युनिस्ट एवरीवेयर हैड ड्रॉन इंस्पिरेशन। तो कहीं भी कम्युनिस्ट मूवमेंट आया तो ज़्यादातर उसकी इंस्पिरेशन सोवियत यूनियन से ही ली गई है। वो अलग बात है कि सोवियत यूनियन जो है सोवियत यूनियन को कोलैप्स हो गया था, तो विद ऑल इट्स वसाल स्टेट्स इन ईस्टर्न यूरोप, तो उन्होंने अपने अलग अलग कंट्रीज बना रखे हैं। तो टू प्रिवेंट दिस हिस्ट्री फ्रॉम रिपीटिंग, अब
जो चाइना है वो ये नहीं चाहता कि जैसे सोवियत यूनियन ने कम्युनिज्म का रास्ता अपनाया और बाद में क्या हुआ कि सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, वैसा चाइना के साथ नहीं होना चाहिए। टू प्रिवेंट दिस हिस्ट्री फ्रॉम रिपीटिंग एंड टू इंश्योर दैट द कम्युनिस्ट सिस्टम ऑफ गवर्निंग विल बिकम द ग्लोबल ऑर्डर इज दीज ऑब्जेक्टिव नाउ दैट चाइना इज इन इट 72nd ईयर ऑफ कम्युनिस्ट रूल। अब चाइना नहीं चाहता कि इससे भी जो इसके कुछ स्टेट्स हैं वो अलग हो जाएं। सो लेटली जी हैज टेकन अ फ्यू स्टेप्स, तो इसके लिए जी जिनपिंग ने कुछ स्टेप्स लिए। तो पहला स्टेप जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म का है कि जो बच्चे हैं वो वीडियो गेम को 1 घंटे से 1 दिन में ज़्यादा नहीं खेल सकते और 3 टाइम्स अ वीक से ज़्यादा नहीं खेल सकते। अब इसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है, इससे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उसे क्या फ़ायदा मिल रहा है? तो दिस में अपीयर इनोक्यूस बट इज फार साइटेड, हमें ऐसा लग रहा है इनोक्यूस है लेकिन ये बहुत दूर की सोच है। मोर देन 70% लगभग 70% जो चाइना की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन उसके पास इंटरनेट एक्सेस है। ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है CCP का, क्योंकि CCP को ये लगता है कि अगर लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस होगा तो वो भले चाइनीज नेशन में उनको प्राउड फील हो कि हाँ हम चाइनीज नेशन के हम सिटीजन, लेकिन उन्हें इस बात का प्राउड फील नहीं होगा जो कम्युनिस्ट पार्टी उनके ऊपर ऐसे रूल चलाती अथॉरिटेटिव है। तो हो सकता है उनको इस बात का प्राउड फील ना हो, इस बात का उन्हें भले ही प्राउड फील हो कि हम वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी है। तो हांगकांग अ फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी, अब जो हांगकांग फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी है जो कि 1 country 2 system के रूप में हांगकांग जो मिला था चाइना को और चाइना की सॉवरनिटी वापस से आ गई थी, तो हांगकांग रेसिडेंट्स जनरली हैव नो इल फीलिंग टुवर्ड्स द चाइनीज नेशन। उन्हें चाइनीज नेशन और उनके लोगों से दिक्कत नहीं, उन्हें दिक्कत है कम्युनिस्ट रूल से, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जिस तरीके से रूल करती है उन्हें दिक्कत इससे है। तो मीनवाइल डिस्पाइट द पॉलिटिकल एजेंडा हिडन इन रेगुलेटिंग वीडियो गेम्स, अब वीडियो गेम्स को रेगुलेट करने में एक हिडन एजेंडा है। मैनी पेरेंट्स इन चाइना, पेरेंट्स तो खुश हो जाते हैं ठीक है चलो हमारे बच्चे वीडियो गेम नहीं खेलेंगे, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा फॉर साइटेड कॉन्सिक्वेंसेज हैं। दे माइट विश फॉर सिमिलर रेस्ट्रिक्शन इन अदर स्पेयर्स ऑफ लाइफ, यहाँ तक कि पेरेंट्स चाहते हैं कि अदर स्पेयर्स ऑफ लाइफ में भी ऐसे रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए। अब COVID-19 वैक्सीनेशन के लिए लेकर आपने देखा होगा कि कुछ डेमोक्रेटिक नेशंस में प्रोटेस्ट हो रहे थे कि हमें फोर्स किया जा रहा है COVID-19 वैक्सीनेशन लेने के लिए। अब चाइना में कुछ लोग ये सोच रहे हैं तो हमारी कंट्री तो अच्छा है, कम से कम हमारे यहाँ लोग प्रोटेस्ट तो नहीं कर रहे हैं COVID-19 वैक्सीनेशन लेने के लिए, और अगर लोग प्रोटेस्ट करें भी तो जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो प्रोटेस्ट करने नहीं देगी। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि ठीक है अगर ज़्यादा फायदा हो रहा है तो ठीक है, अगर हमारे थोड़े फ्रीडम छिन भी रहे हैं तो, बट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ देम आर अगेंस्ट कम्युनिस्ट रूल एंड प्रो डेमोक्रेसी कैंपेनर्स देयर हैव यूज द इंटरनेट इंजीनियसली टू मोबिलाइज पीपल अगेंस्ट द CCP एंड इट्स लोकल रूलर्स। और इनको ये भी डर लगता है जो इंटरनेट में अगर कोई भी डेटा होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन इधर उधर पास ऑन होती है, तो उसकी वजह से लोग कभी कभी मोबिलाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि कहीं भी कोई रायट्स या वायलेंस होता है तो गवर्नमेंट सबसे पहले इंटरनेट बंद कर देती है, गवर्नमेंट इसीलिए इंटरनेट बंद करती है ताकि और भी लोग मोबिलाइज ना हो। आगे चलते हैं, दिस इज थिंकिंग प्रेवलेंट इवन अमंग टूडेज वेल्थ चेजिंग यंग जनरेशन। अब यंग जनरेशन को यही लगता है कि गलत क्या है, इफ ह्यूमन राइट्स एंड पर्सनल फ्रीडम्स आर सेट असाइड, भले उनके ह्यूमन राइट्स और पर्सनल फ्रीडम्स को अलग रख दिया जाता है लेकिन गवर्नमेंट कम से कम डिक्टेटोरियली सही, लेकिन उनको पैसे तो कमाने दे रही है, उनको अमीर तो बना रही है, उनको अमीर बना रही है, वो जैसे खर्च करना चाहते हैं वैसे खर्च कर सकते हैं, तो और उनको फ्रीडम चाहिए क्यों? इन अदर वर्ड्स दे विल एक्सेप्ट, तो दूसरे शब्दों में ये समझ लो कि दे विल एक्सेप्ट अ बेनेविलेंट डिक्टेटरशिप, उनको कोई दिक्कत नहीं अगर बेनेविलेंट डिक्टेटरशिप है जो उनको अमीर होने दे रहा है, तो ऑफ एनी पॉलिटिकल शेड रादर देन अ फ्री विलिंग डेमोक्रेसी, तो उनको फ्री डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। अब चाइना ने अपने यहाँ पॉवर्टी भी दूर कर ली ठीक है, चाइना के लोगों को भी लग रहा है हम अमीर तो बन ही रहे हैं भले हमारे कुछ फ्रीडम राइट्स छिन रहे हैं। COVID-19 वैक्सीनेशन के जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि कुछ डेमोक्रेटिक नेशंस में लोग COVID-19 वैक्सीनेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें कि हमें वैक्सीनेशन नहीं लगवानी, ऐसा चाइना में नहीं कर सकते हैं। तो कौन सी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छा, टोटलिटेरियन या डेमोक्रेसी? तो इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिया इंडिपेंडेंट नेशन जब बना था और वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बना था वो जब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने कंट्रोल लिया था, उससे 2 साल पहले बना था इंडिया डेमोक्रेटिक नेशन। बट इवन टुडे हमारे इतने सारे लोग पॉवर्टी में, इतने सारे लोग हमारे यहाँ पॉवर्टी में हैं, बल्कि चाइना जो है वो कम्युनिस्ट होने के बाद भी, अथॉरिटेटिव होने के बाद भी उसने अपने लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया। जो अमेरिका वर्ल्ड की वेल्थीएस्ट नेशन और सेकेंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, उसमें लगभग 34 मिलियन पीपल जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। तो दीज रियलिटीज, इन रियलिटीज के बाद एक क्वेश्चन ये उठता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होना कैसा चाहिए 21st century में डेमोक्रेसी या टोटलिटेरियनिज्म? तो यहाँ पर ऑथर ने बोला है होना चाहिए तो वो होना चाहिए सिंगापुर की तरह। तो इट इज़ अ क्वेश्चन दैट सिंगापुर हैज़ आंसर्ड विद व्हाट वी कॉल्ड अ गाइडेड डेमोक्रेसी और रेगुलेटेड डिक्टेटरशिप। तो सिंगापुर को आप गाइडेड डेमोक्रेसी भी बोल सकते हो, रेगुलेटेड डिक्टेटरशिप भी बोल सकते हो। तो वाई शुड वी चूज डेमोक्रेसी, वी कैन स्टिल हैव अ गुड लाइफ विदाउट डेमोक्रेसी। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए क्यों, अगर बिना डेमोक्रेसी भी हमारी जिंदगी अच्छी चल रही। तो चाइना में जो लोग रह रहे हैं उनकी बिना डेमोक्रेसी की भी अच्छी जिंदगी चल रही, तो उनको क्यों डेमोक्रेसी चाहिए? अ न्यू चैलेंज लाइक द तियानमेन अपराइजिंग ऑफ द प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट इन हांगकांग नाउ हेल्ड डाउन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ COVID-19 प्रोटोकॉल्स एंड बीजिंग लेजिस्लेटिव नेशनल सिक्योरिटी लॉ गेनिंग न्यू विगर इज लीस्ट ऑफ जीज वरीज। तो अभी ये जो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चल रहे हैं, तियानमेन अपराइजिंग चल रही है, जी को से कोई फर्क नहीं पड़ता,
जबकि वो कंसर्न इस बात से है कि लोगों में वेल्थ जो है, वेल्थ की वजह से इनइक्वालिटी बहुत आ गई है, पर्टिकुलरली द यंग हु विल फाइंड न्यू वेज टू ब्रेक प्रोटेक्टिव फायरवॉल्स हैविंग अनफेटर्ड एक्सेस टू द इंटरनेट. अब यहाँ पर जो यंग लोग हैं उनके पास इंटरनेट की एक्सेस है जिसके कारण वो लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं, तो विच कुड लीड टू द स्प्रेड ऑफ एनार्किस्ट. तो यहाँ पर एनार्की आ सकती है चाइना में. इसके कारण जी को इस बात का बहुत डर है, इसीलिए वो चाहते हैं कि इंटरनेट पर हम एक पॉलिटिकल कंट्रोल रखें. कोई भी चीज़ पार्टी से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, भले वो इंटरनेट का एक्सेस क्यों ना, तो इंटरनेट का एक्सेस भी विद इन द पार्टी फ्रेमवर्क होना चाहिए. तो अबव ऑल द सीसीपी इज पैरानोइड अबाउट फॉरेन फोर्सेस लर्किंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी. और सीसीबी को ये भी लगता है जो फॉरेन फोर्सेस है कैसे एक अपॉर्चुनिटी सोच रही है कि इनका जो सोशलिस्ट सिस्टम और गवर्नमेंट है उसको कैसे हम थॉट कर दें और यहाँ पर भी हम एक डेमोक्रेसी लेकर आए. तो देयर अराइजेस द क्वेश्चन, हैज जी विद हिज एजेंडा टू बिल्ड सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ऑल टू एमुलेट डिसाइडेड टू बिल्ड द कैट दैट डेंग लेट रोम अबाउट फ्रीली. वट एवर बी हिज प्लान, अब इनका कोई भी प्लान हो, यंगर जनरेशन जो है चाइनीज की, मतलब ये कहने की वो ज़्यादा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी उनको एप्पल आईफोन 13 के लिए यंगर जनरेशन उस तरफ लगी हुई है, तो मे नॉट नेसेसरली बी टू कंसर्न अबाउट इट. जैसे कि एक यंग थिंकर ऑस्नोज ने ये बोला था 1990s में, हमें ये पता था, इनको ये पता था कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अच्छी नहीं, पर इन्हें ये भी नहीं पता था कि कौन सी गवर्नमेंट अच्छी होती है. तो इट सीम द गवर्नमेंट वॉज नॉट गुड एंड अ गुड गवर्नमेंट वॉज नीडेड टू लीड द नेशन, बट द प्रॉब्लम वॉज वी डिडंट नो व्हाट अ गुड गवर्नमेंट वुड बी. अब जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में जब मोनार्की हुआ करती थी, तो लोगों को ये नहीं पता था मोनार्की को अल्टरनेटिव क्या है, तो लोग मोनार्की एक्सेप्ट कर लेते थे. जब लोगों को अल्टरनेटिव नहीं पता होता तो लोग वही एक्सेप्ट कर लेते जो उनके सामने होता है. और यहाँ पर जो गवर्नमेंट रूल कर रही होती है वो चाहती है कि लोग जाने भी ना कि क्या अल्टरनेटिव इसका हो सकता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट होती है वो क्रैकडाउन करती है चीज़ों पर ताकि लोगों को कुछ ना पता चल पाए. अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है एनडीए के बारे में, अब एनडीए में ये बोला गया है कि विमेन भी अब एग्जाम दे सकती है, विमेन भी इंडक्ट हो सकती है. अब ऑथर ने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप बना लोगे, ठीक है, विमेन अकोमोडेट करने के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना लोगे, लेकिन सोच को बदलना बहुत मुश्किल होगा और सोच को बदलने के लिए आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे. द एंट्री ऑफ विमेन पोजेस सेवरल चैलेंजेस टू द एकेडमी एटलीस्ट फॉर सम टाइम टू कम. जो मेल सेंटरिंग इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि जो एनडीए है वो हमेशा मेल सेंटरिंग इंस्टीट्यूशन रहा है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो रिकनफिगर करना आसान होगा, ठीक है, आपने एक दो साल में इंफ्रास्ट्रक्चर बना के तैयार कर दिया. न्यू एंट्रेंस एट द एनडीए आर नोन टू एक्सपीरियंस अ कल्चरल शॉक. अब उनको एक कल्चरल शॉक की तरह लगेगा क्योंकि वहां पर इससे पहले विमेन इंडक्ट नहीं होती थी. इन एडिशन जो फीमेल कैडेट्स हैं उनको भी फोर्स करना पड़ेगा, उनको भी फेस करना पड़ेगा मैस्कुलिन कल्चर. द एनडीए द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स काइंड, तो एनडीए फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स काइंड एशिया में बना था कि वहां पर जो कैडेट्स ट्रेन होते हैं वो आर्मीज, नेवी, एयरफोर्स सबके होते हैं, और ये अब इंडिया का एक प्रीमियर मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है जब से ये एस्टैब्लिश हुआ 1954 से. तो इट वॉज कॉन्सेप्चुलाइज ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, तो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में ये कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था, इसलिए किया था ताकि ये जो तीनों फोर्सेस है उसमें एक कोऑर्डिनेशन रहे. एनडीए कैडेट हैज़ एन एज ओवर इट अदर काउंटर पार्ट, तो कोई भी अगर इंडियन आर्म फोर्सेज में जाना चाहता है लेकिन उससे पहले वो एनडीए में रह चुका है तो उसको थोड़ी एज होती है, तो एक इसलिए लोग एनडीए में जाना चाहते हैं. वेल द वर्ल्ड हैज़, अब जो दुनिया है वो तो जेंडर इंक्लूसिविटी की तरह शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन आर्म फोर्सेज को थोड़ा अपना टाइम लग रहा है इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के लिए. वुमेन एंटर द फोर्सेज 1950 से तो वुमेन एंटर होना शुरू हुई थी, लेकिन तब भी वुमेन सिर्फ नर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स की तरह एंटर होती थी. कॉम्बैट फोर्सेज 2008 में लगभग वहाँ पर वुमेन को कॉम्बैट फोर्सेज की तरह एंटर करना शुरू किया. तो इन 2008 वुमेन इन द आर्मीज लीगल एंड एजुकेशनल विंग्स बिकेम एलिजिबल फॉर परमानेंट कमीशन. तो 2008 में लगभग परमानेंट कमीशन के लिए वुमेन को अलाउ कर दिया गया था. अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्ड कर लिया जाएगा, प्रोग्राम भी कर लिए जाएंगे, बट ऑल्सो रीडिजाइन ऑफ माइंडसेट. तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों का माइंडसेट रीडिजाइन करने की बहुत ज़रूरत है कि वो विमेन को एज अ कैडेट यहाँ पर एक्सेप्ट करना सीख जाए. दो डीपली रूटेड इन द फिजिकल एंड कॉग्निटिव मैप ऑफ यंग मैन, द स्टैंडर्ड्स ऑफ एंड्योरेंस टेस्ट, जो एंड्योरेंस टेस्ट के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्क्वाड्रन रूटीन है, उसको भी रीनेगोशिएट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द वुमेन एंड मैन. तो यहाँ पर जो मैन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी एक बार रीनेगोशिएट करने की बात है. अब यहाँ पर जैसे वुमेन को एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट में गई वुमेन, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इनको बोला. तो यहाँ पर जो एनडीए है वो खुद से वुमेन को इंडक्ट नहीं कर रहा, उसे बाहर की किसी फोर्स ने बोला है कि आपको इंडक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए वो कर रहे हैं. तो पुटिंग असाइड फॉर द मूवमेंट द इशूज ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट एंड ग्लास सीलिंग, तो सेक्शुअल हैरेसमेंट और ग्लास सीलिंग को आप हटा भी दो, तो यहाँ पर जो मेल कैडेट्स हैं उनको स्पेस बनाना पड़ेगा फॉर द वुमेन. दिस इज क्रूशियल क्योंकि जो ऑथर है उन्होंने एनडीए में लगभग 4 साल पढ़ाया है, तो उन्होंने विटनेस किया है कि ये लोग लेडीज को, वुमेन को एज अ रिस्पेक्ट करते हैं लेडीज, मतलब उसको अपना काउंटर पार्ट की तरह नहीं देखते हैं. तो बट इट वुड बी बेटर इफ वुमेन आर ट्रीटेड एज देयर इक्वल काउंटर पार्ट. तो इनको इनके दिमाग में ये डिजाइनिंग करना कि वुमेन इनकी इक्वल काउंटर पार्ट से, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. इसका मतलब ये नहीं है जो मैन है वो विमेन ऑफिसर्स को उनका सबऑर्डिनेट मानते हैं, नहीं, लेकिन तब भी उसके बाद भी उनका जो डिज़ाइन तो करना पड़ेगा माइंडसेट. तो यही सब ऑथर ने यहाँ पर बताया है. तो आई डोंट थिंक दैट मेल डोमिनेंस इज एन इनहेरेंट फ्लॉ इन द सिस्टम. तो ऑथर ये नहीं बोल रहे हैं कि मेल डोमिनेंस इनका इनहेरेंट फ्लॉ है, नहीं. एक बार जब विमेन एंटर होंगी, एक कल्चरल शॉक की तरह आएगा, तो विमेन और मैन दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा, और अपने आप ही एनडीए कुछ टाइम के बाद विमेन को भी अकोमोडेट करने के लिए बहुत आसानी से रेडी हो चुका होगा. तो रादर आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट दैट गिवन द माइंडसेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड इट्स एथोस, इट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर द मैन बीइंग ट्रेन्ड एंड द मैन हु ट्रेन टू रीएडजस्ट देयर आउटलुक. इससे पहले
मैन का जैसे सोशलाइजेशन हुआ है एनडीए में, जिस तरीके से उनको ट्रेन किया गया है, तो उनको अपना आउटलुक रीएडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगने वाला है. तो विमेन कैंडिडेट्स को भी इस एटीट्यूड की बेनेलिटी को समझना पड़ेगा. Finally, the root cause of any future problem might be traceable to the very fact that it is not the institution that has voluntarily opened its door to women. तो ये बहुत important है. NDA ने voluntarily नहीं बोला कि हम women को induct करेंगे. Defence Ministry ने force किया था to accept the intervention of the SC order. तो Defence Ministry को force किया गया था, SC ने order दिया नहीं NDA का exam तो लेना पड़ेगा, women को भी allow करना पड़ेगा. तो उसकी वजह से उनको force किया जा रहा है NDA में कि women को induct किया जाना चाहिए. तो early batches of women candidates can't expect outside agencies to take care of their interest. अब यहाँ पर women एक बार आ जाएंगे NDA में तो वो ये expect नहीं कर सकती कि आउटसाइड एजेंसीज उनको यहाँ पर भी प्रोटेक्ट करेंगी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या डिफेंस मिनिस्टर. ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर उनको अपने लिए खुद जगह बनानी पड़ेगी. आगे चलते हैं. अब कोवैक्सिन को मोस्ट लाइकली जो WHO इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के लिए डिसीजन लेगा, क्योंकि कोवैक्सिन को अभी तक इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है. तो द WHO मूव ऑन कोवैक्सिन इफ इट कम्स नेक्स्ट वीक विल कम एज अ ह्यूज रिलीफ टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु हैव गॉट बोथ डोजेस. क्योंकि उन्होंने कोवैक्सिन ले लिए, कुछ लोगों ने इंडिया में तो काफ़ी लोगों ने कोवैक्सिन लिए, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी कंट्रीज में उसको अनवैक्सीनेटेड माना जा रहा है. तो अभी जब WHO डिसाइड कर लेगा इमरजेंसी यूज लिस्टिंग पे, और अगर कोवैक्सिन को भी इस लिस्ट में डाल दिया जाएगा तो हमारे यहाँ के लोगों के लिए आसान हो जाएगा. आगे हम चलते हैं. यहाँ पर बेसिकली यही एक प्ली गई है कि जो पीएम केयर्स फंड है उसको गवर्नमेंट फंड माना जाना चाहिए और आर्टिकल 12 में उसको स्टेट डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि सेंटर ने ये बोल दिया है ये जो पीएम केयर्स है गवर्नमेंट फंड है ही नहीं. अब ये हम पढ़ेंगे. केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है. अब किसे किसे मिला देख लेते. तो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री तो बेंजामिन और डेविड मैकमिलन. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कैटलिस्ट पे स्टडी. तो द सिंपल आइडिया दैट द लिस्ट एंड मैकमिलन केम अप विद वर्किंग इंडिपेंडेंटली वाज टू लुक फॉर न्यू कैटलिस्ट. तो कैटलिस्ट आपको पता होगा क्या करते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं. रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट नहीं चेंज करते, बस ये रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं. तो व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड द प्रोसेस वाज ऑफन एडेड बाय अदर केमिकल्स. तो पहले जो यूज किए जाते थे कैटलिस्ट वो दो टाइप के कैटलिस्ट होते थे. एक तो होते थे मेटल्स और दूसरे होते थे एंजाइम्स. जो मेटल्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, माइंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है और ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक होते हैं. फिर कोई आपको ऐसी रिएक्शन करनी हो जिसमें आपको प्योरिटी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल किसी मेडिसिन की आपको कोई रिएक्शन करके आपको मेडिसिन बनाना, और मेडिसिन में आप कोई ऐसा कैटलिस्ट लगा दो फॉर एग्जांपल मेटल और उसके कुछ ट्रेसेस मिल जाएं, तो ये जो मेडिसिन होगी वो तो टॉक्सिक हो जाएगी लोगों के लिए. तो यहाँ पर इनको ऐसे कैटलिस्ट की जरूरत है जो कि टॉक्सिक ना हो और जो एक ही रिजल्ट दे. तो यहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनो कैटलिस्ट बनाए हैं. तो ऑर्गेनो कैटलिस्ट हम देख लेते हैं. तो लिस्ट एंड मैकमिलन बोथ 53 स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद सिंबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं. कार्बन एटम्स का इनका फ्रेमवर्क होता है और इसके साथ और भी कोई हो सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस. लाइफ सपोर्टिंग केमिकल्स लाइक प्रोटीन्स विच आर लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स. तो यहाँ पर इन्होंने एंजाइम्स को यूज किया कि एंजाइम से हम कैसे ऑर्गेनिक कैटलिस्ट बना सकते हैं. तो लिस्ट एंड मैकमिलन वर अवेयर ऑफ अर्लियर रिसर्च फ्रॉम द 1970s और यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिक रिएक्शन करना शुरू की विद द यूज ऑफ एंजाइम्स, कि कैसे हम एंजाइम्स को कैटलिस्ट का प्रयोग कैटलिस्ट की यूज करके हम एक सिंगल जो रिएक्शन से चाहते हैं कंपाउंड वो मिल सकता है. तो यहां पर इसको बोला गया एसिमेट्रिक कैटालिसिस. अब एसिमेट्रिक कैटालिसिस क्या होती है हम देख लेते हैं. तो जो इंडिविजुअल अमीनो एसिड होता है उसका एक एडवांटेज ये होता है कि वही आपको वो एंड प्रोडक्ट देगा जो कि आपको जरूरत है. तो दे इंश्योर्ड ओनली वन वैरायटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट. अब यहां पर आइसोमर्स बताएंगे. तो आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका सेम केमिकल कंपोजिशन होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, लेकिन उसके बाद भी उनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. तो सेम केमिकल कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन उसके बाद भी उनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो उनको आइसोमर्स बोला जाता है. अब आइसोमर्स आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मान लो, क्योंकि थ्री डायमेंशनल स्पेस में अगर उनको देखो तो वैसे वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में सेम से होंगे. तो वन टाइप ऑफ आइसोमर्स आर दोज दैट डिफर इन द वे इंडिविजुअल एटम्स आर ओरिएंटेड इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस. तो वैसे तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड देखने में सिमिलर लगता है, लेकिन यहाँ पर वैसे ही आइसोमर्स होते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है. तो दिस सिंपल डिफरेंस कैन समटाइम्स हैव इनॉर्मस कॉन्सिक्वेंसेज. तो ये डिफरेंस तो हमें कम लग रहा है, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज वो बहुत ज़्यादा इनॉर्मस हो सकते हैं. तो इन्होंने जो कैटलिस्ट बनाए हैं, तो बिकॉज द मिरर इमेजेस कैन हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पर इन्होंने जो कैटलिस्ट बनाए हैं तो दे वर ऑब्टेनिंग ओनली वन स्पेसिफिक मिरर इमेज ऑफ द एंड प्रोडक्ट. तो जो एंड प्रोडक्ट चाहिए होगा इसकी वही मिरर इमेज बनेगी, जिसके कारण ये जो डिफरेंसेज देखे गए हैं वो नहीं मिलेंगे. तो ये होती है एसिमेट्रिक कैटलिसिस. तो आपको बस इनके नाम पता होना चाहिए नोबेल प्राइज केमिस्ट्री तो किसमें मिला है. तो इन्होंने एसिमेट्रिक कैटालिसिस की थी, उसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला है. यहां पर जिम कॉर्बेट का नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क किया जाएगा. अब ये सबसे पहले इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क ही था, लेकिन 1956 में चेंज कर दिया गया था. 1956 में गोविंद बल्लभ पंत के कहने पे चेंज किया गया था, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे वो कॉर्बेट उनके दोस्त थे, तो वो चाहते थे कि इनका नाम कॉर्बेट पर रख दिया जाए, तो रख दिया गया था. आगे हम चलते हैं. अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, पार्क आर्मी ने ट्रांसफर किया क्या. अब ताइवान और चाइना का इशू देख लेते हैं. चाइना बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी और मिलिट्री सोफिस्टिकेशन शो कर रहा है, ताइवान का हैरेसमेंट कर रहा है, क्योंकि जो चाइना है, चाइना के कुछ ऐसे प्लान्स है कि 2025 तक हम ताइवान को इन्वेड कर देंगे.
ताइवान फॉरेन मिनिस्ट्री सेड ऑन वेंसडे वाशिंगटन हैड रीअश्योर्ड देम। अब यहाँ पर यूएसए का क्या रोल है, तो यूएसए ने ताइवान रिलेशन एक्ट एक साइन हो रखा है जिसमें ये क्लियर किया गया था जो यूएस डिसीजन, यूएस ने क्या किया था, अपना डिप्लोमेटिक रिकग्निशन बीजिंग को शिफ्ट कर दिया था फ्रॉम ताइवान इन 1979। तो यहाँ पर 1979 में यूएस ने ऑफिशियल रिकग्निशन यहाँ पर बीजिंग को दे दी थी, लेकिन इस एक्ट में ये भी लिखा है कि जो भी फ्यूचर होगा तालिबान का वो डिसाइड, ताइवान का डिसाइड होगा बाय पीसफुल मींस। तो वाइल द एक्ट बाइंड्स द यूएस टू प्रोवाइड ताइवान विद द मींस टू डिफेंड इटसेल्फ, और एक्ट में ये भी बोला गया जो यूएस है वो ताइवान को हमेशा वेपन्स के द्वारा कुछ ना कुछ हेल्प करता रहेगा ताकि ताइवान अपने आप को डिफेंड कर सके। साथ ही वाशिंगटन ये भी एक्नॉलेज करता है कि वन चाइना है, ताइवान अलग नहीं है, लेकिन ताइवान ये बोलता है कि ताइवान अलग है, वो चाइना के अंदर नहीं आता। जैसे कि आप देख सकते हैं, चाइना क्लेम्स ताइवान एज इट्स ओन टेरिटरी, चाइना ये बोलता है कि ताइवान उसकी टेरिटरी, विच शुड बी टेकन बाई फोर्स इफ नेसेसरी, और जरूरत पड़ी तो वो फोर्स के द्वारा भी उसको लेगा। ताइवान ये बोलता है वो इंडिपेंडेंट कंट्री है और वो अपने फ्रीडम और डेमोक्रेसी को हमेशा डिफेंड करता रहेगा। तो ये आपको बस ताइवान रिलेशंस एक्ट पढ़ना होना चाहिए जिसमें 1979 में डिप्लोमेटिक था वो शिफ्ट किया गया था, डिप्लोमेटिक रिकग्निशन बीजिंग को शिफ्ट किया गया था, और जो भी फ्यूचर होगा ताइवान का वो पीसफुल मींस के द्वारा डिसाइड होगा। लेकिन इस एक्ट में ये भी बोला गया है जो यूएस है वो हमेशा ताइवान को सपोर्ट करेगा। आगे हम चलते हैं, अब एक नई स्कीम लेकर आए हैं लोग टेक्सटाइल्स के लिए जिसका नाम है मित्र स्कीम। तो मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स, तो मित्रा पार्क्स, ठीक है। अभी देख सकते हैं 4,445 करोड़ की स्कीम है। इसमें क्या करेंगे, पूरे जो टेक्सटाइल वैल्यू चेन है उसको ही इंटीग्रेट कर देंगे। तो टेक्सटाइल वैल्यू चेन फ्रॉम स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग, इन सबको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट करने की इसलिए ज़रूरत है ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सके, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो सकेगी तो जो हमारे टेक्सटाइल्स हो सकेंगे वो कॉम्पिटेटिव बन सकेंगे। तो क्योंकि आज जो वैल्यू चेन है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, कॉटन महाराष्ट्र गुजरात में बनता है, फिर प्रोसेस तमिलनाडु में होता है, जिसके कारण जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस मित्र के थ्रू ये लोग क्या कर रहे हैं, जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो कम हो सके, इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं पूरे वैल्यू का। तो प्राइवेट लॉजिस्टिक्स हैव एस्टिमेटेड लॉजिस्टिक कॉस्ट टू बी 13-14% ऑफ द GDP। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कोशिश करी कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को हम 10% पर लेकर आएँ। तो यहाँ पर सारे स्टेट्स को कॉम्पिटिशन होगा कि कौन से स्टेट्स जो हैं वो आसानी से यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो स्टेट आसानी से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकेंगे उनको इनमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो बेसिकली इंसेंटिव देने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। आगे चलते हैं, अब यहां पर विसल ब्लोअर ने यह भी बताया, विसल ब्लोअर आई होप आपको समझ आ गया हो, कल किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता भी दिया कि विसल ब्लोअर कौन होते हैं। तो ये फेसबुक की इंप्लॉय थी, इन्होंने फेसबुक के डेटा से ये बताया कि फेसबुक को कैसे सारी चीज़ें पता होती है, उसके बाद भी फेसबुक उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। तो डिस्पाइट बिंग अवेयर दैट RSS यूजर्स ग्रुप्स एंड पेजेस प्रमोट फियर मॉन्गरिंग एंड एंटी मुस्लिम नैरेटिव्स, की फेसबुक को पता है जो RSS है वो कैसे पेजेस का यूज़ करता है एंटी मुस्लिम नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी फेसबुक कोई एक्शन नहीं ले पाता है क्योंकि फेसबुक के पास हिंदी और बंगाली क्लासीफायर्स ही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू अ विसल ब्लोअर कंप्लेंट फाइल बिफोर द US सिक्योरिटीज रेगुलेटर। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगर आपको वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज लगती है तो आप थोड़ी कम कर सकते हैं, तो सेटिंग्स में जाके कम कर लेना। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया हो। थैंक यू।